दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉजिकल टॉक में। फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी मैक्लॉयड कंपनी के एक प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है वोगली मैक GM2। और दोस्तों ये वोगली बोज ग्लिमेप्रामाइड और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड की सस्टेन रिलीज टैबलेट है। सस्टेन रिलीज टैबलेट जो टैबलेट जो दवा आपकी बॉडी में जाती है और धीरे धीरे करके वो पूरे दिन तक आपकी बॉडी में रिलीज़ होती रहती है, निकलती रहती है और अपना असर दिखाती है, उसको सस्टेन रिलीज टैबलेट बोलते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि इसमें कौन कौन से इन्ग्रीडियंट है, कौन कौन सी दवा मिली हुई है। तो दोस्तों ये इसमें ग्लिमेप्रामाइड मिला हुआ है जिसमें इसकी मात्रा 2 mg है, इसमें वोग्लीबोस है जिसकी मात्रा 0.2 mg है और मेटफॉर्मिन इसकी मात्रा 500 mg इसमें मिली हुई है। दोस्तों ये जो वोगली मैक GM2 टैबलेट SR टैबलेट है ये आपकी एंटी डायबिटिक मेडिसिन होती है, एंटी डायबिटिक टैबलेट होती है। जो दवाइयाँ डायबिटीज़ शुगर को ठीक करती हैं, शुगर को बराबर रखती हैं, इसको ज़्यादा बढ़ी हुई शुगर को नॉर्मल करती हैं या तो इन सब दवाइयों को एंटी डायबिटिक मेडिसिन बोलते हैं, तो ये वोगली मैक भी उसी टाइप की एंटी डायबिटिक मेडिसिन है। ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, जैसा कि मैंने अभी वीडियो की शुरू में बताया कि 3 टाइप की दवाइयों से मिलकर बनी हुई है। जो लोगों में जिनको डायबिटीज़ टाइप 2 टाइप का डायबिटीज़ होता है उसको ठीक करती है। ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, जो खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है उसको नॉर्मल करती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि किस तरह से इस दवा का बेहतर असर पाया जाए। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो दवा है आपकी वोगली मैक GM2, इसको आपको जब भी लेना है सेम टाइम पे लेना है और डॉक्टर के बताए हुए अनुसार लेना है। जितना जैसा वो बोले, जितनी टैबलेट एक दिन में बोले डोज़ की, आपको 1 या 2 टैबलेट कितना लेना है उस हिसाब से आप जैसा आपका डॉक्टर बताए वैसे लें। साथ ही साथ इसका बेहतर रिज़ल्ट पाने के लिए आपको अपना खाना पीना अच्छे से रखना होगा, एक्सरसाइज आपको करते रहना होगा। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है, वज़न बढ़ा है तो उसको कम भी करना होगा जिससे कि दवा और अच्छे से असर दिखा सके। दोस्तों इस दवा का जब आप इस्तेमाल करें तो आपको इसको बीच में नहीं रोकना है, पूरा कोर्स ख़त्म करने के बाद अपने डॉक्टर की सलाह से ही इसका इस्तेमाल बंद करना है। अगर आप बीच में इस्तेमाल बंद कर देते हैं तो हो सकता है कि ये आपके शुगर लेवल को घटा बढ़ा दे या और प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। भले आपको अपना शुगर लेवल कम दिखे लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के इसका इस दवा का इस्तेमाल बंद ना करें। जब इस दवा को लें अगर आपको ठीक भी लगे तो भी इस दवा को बिना डॉक्टर की सलाह के आपको नहीं बंद करना है। दोस्तों ध्यान रहे कि आपको इस दवा के साथ साथ अगर आप अपने खाने पीने और एक्सरसाइज का ध्यान रखते हैं तो ये दवा और जल्दी और अच्छा असर आपको दिखाएगी। दोस्तों जब ये दवा आप लेते हैं तो सभी दवाइयों की तरह इसके भी कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। सब में पहला जो है वो ये है कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका घट सकता है। ध्यान रहे कि जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल घटेगा तो आपको पसीना खूब होगा, चक्कर आ सकता है, सर में दर्द हो सकता है और आपकी बॉडी कांप सकती है। तो ये शुगर घटने की निशानियां होती हैं। अगर आपको ऐसा कुछ महसूस होता है तो ध्यान रहे कि ये आपके शुगर लेवल घटने की निशानियां भी हो सकती है, तो इसके बारे में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपने पास कोई ना कोई खाना पीना ऐसा ज़रूर रखें जिसमें हाई ग्लूकोज लेवल हो, जो कोई शुगरी फूड रखें जिससे कि आप तुरंत अपने जो शुगर लेवल आपका बहुत ही ज़्यादा कम हो गया हो वो उसको मेनटेन कर सकें। कोई शुगर वाला जूस फ्रूट खाना पीना उस तुरंत आप ले लें। इसके अदर साइड इफ़ेक्ट दोस्तों आपको देखने को मिल सकते हैं कि आपके मुंह का टेस्ट चेंज हो सकता है, मतली हो सकती है, डायरिया हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। कुछ लोगों में वेट बढ़ भी सकता है। तो इसकी कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, अगर ये साइड इफ़ेक्ट आपको ज़्यादा परेशान करें, ख़त्म ना हो, तो इसके बारे में तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। प्रेगनेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन जो होते हैं वो बिना डॉक्टर की सलाह के इस दवा का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों, जब ये आप दवा लेते हैं तो ये बदन में जाके काम कैसे करती है। तो ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जिसमें जो ग्लिमेप्रामाइड है ये सल्फोनाइल यूरिया की ड्रग है जिसका काम होता है कि जो इंसुलिन
आपके बॉडी में है उसका बढ़ना बढ़ा उसका बनना बढ़ा दे, जिससे कि आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल आपको दिखे। मेटफॉर्मिन एक बायोग्यूनाइड है जो आपके लीवर में जो ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है उसको कम कर देता है, जिससे कि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है इंटेस्टाइन में और बॉडी के अदर पार्ट में। इसमें ओग्लीबोज जो है वो अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर है जो कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में टूटने से बचाती है, जिससे कि जो सिंपल शुगर ग्लूकोज की मात्रा है वो आपके बदन में ना बढ़े। और ये तीनों दवाइयाँ ही मिलके आपके ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो नॉर्मल बनाकर रखती है। दोस्तों ये जो पैक है इसमें 10 टैबलेट का जो पैक है इसकी MRP 176 रुपये और ये मैक्लोइड कंपनी का प्रोडक्ट है। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का वीडियो इस मेडिसिन के ऊपर, ये वोग्लीमैक मेडिसिन पे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इससे रिलेटेड कुछ सवाल करना चाहते हो, कुछ कहना या बताना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों 50% काम हम अपना वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का करते हैं, बचा हुआ 50% काम आपको करना है कि अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, इस इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाएं शेयर करके। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्दी ही फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, लॉजिकल टॉक देखते रहें। गुड बाय, टेक केयर।